आप पे जो मुझे धागा दिया है, क्या मैं उसकी मदद ले सकती हूँ? चित्रा के खिलाफ जो शक्तियाँ डब्बे के अंदर हैं, उन्हें बरसों से जगाया नहीं गया। तुम उन्हें जगाओगी? हो सकता है वो क्रोध में आकर तुम्हारे खिलाफ हो जाए। वो हमें ना जयपुर तक जाना है, आप हमें लिफ्ट दे देंगे? हाँ जी जरूर मैडम जी, आपको लिफ्ट देने के लिए तो रुके हैं। क्यों मैडम जी, चलोगे ना? नहीं नहीं, आप रहने दीजिए। अब तो ना जी हमारा मन बन गया आपको लिफ्ट देने का, अब तो आपको हमारे साथ चलना ही होगा। वैदेही, वैदेही, आपको क्या लगा था उस बॉडीगार्ड से डर कर भाग गए हम? अभी आप हमें अच्छे से जानते नहीं है मैडम, हम जो चाहते हैं ना उसे हासिल करके ही दम लेते हैं। माधव! अब बच के कहां जाओगी मैडम जी? डब्बे के अंदर जो शक्तियाँ बंद है उन्हें काबू में करने का उपाय मैंने ढूंढ लिया है। तो जल्दी बताओ। अगर इन मंत्रों का तुमने गलत उच्चारण किया तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। कई बार ये छोटी छोटी चीजों को करके जो खुशी मिलती है ना, वो बड़े बड़े काम करके भी नहीं मिलती। मैं तेरी ये छोटी छोटी खुशियाँ तुझसे छीनना नहीं चाहती, क्योंकि तेरी खुशियाँ मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। नीलाम्बी ने मुझसे लड़ने के लिए कोई शक्ति कोई उपाय ढूंढ ली। इसके आगे मेरी शक्तियाँ कमजोर हो रही हैं और मुझे जल्द से जल्द अपना काम करना है। माधव और वैदेही को एक करना होगा। वैदेही तू ये क्या कर रही है? वैदेही तू जो ये कर रही है ना वो सही नहीं कर रही है, मैं बता रहा हूँ तुझे। इसमें क्या गलत है? तू मुझे मत सिखा क्या सही है और क्या गलत है। जरूरी तो नहीं है ना जो तेरे लिए गलत हो वो मेरे लिए भी गलत हो। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? अंगूस फंगूस चल रहा है। तू भी मेरे साथ बोल। अंगूस के पार फंगूस, अंगूस के पार फंगूस, फंगूस के पार मंगूस, फंगूस के पार मंगूस। पिंजरे का जीवन सजा है भारी, पिंजरे का जीवन सजा है भारी। खोल दो ये दरवाजा, सुन लो हमारी। खोल दो दरवाजा, सुन लो हमारी। माधव ठाकुर आप यहाँ? अनुराधा दरवाजा खोलो। ये दरवाजा तो जाम हो गया। अनुराधा जानती हूँ ये सब कुछ कौन कर रहा है, पर चित्रा तेरा खेल खत्म। वो वैदेह भी तेरे पीछे पीछे निकली थी, कहाँ है वो? तुमसे मिली कि नहीं? वो पागल लड़की मेरा वॉलेट यहाँ तक लेके आ गई। पर तुम लोग हो कहाँ? माँ वो मिलन लॉज। तस्वीर और पता दोनों मैंने आपको भेज दिया। इस लड़की का अपहरण करके उसे हवेली से कोसों दूर तक लेकर जाओ। दोबारा वापस लौट के नहीं आनी चाहिए। आपका काम हो जाएगा। कौन है? तूने आज जो मेरे लिए किया है मुझे यकीन नहीं हो रहा। तू यकीन कर ले, मेरा हाथ पकड़ और चल। आज मैं इन्हें जान से मार दूंगा, मरने को तैयार हो जाओ। जा संग्राम, बांध दे धागा। रुक जा संग्राम। अगर अपनी जान प्यारी है तो कुछ मत करना। मेरे खिलाफ अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो अच्छा नहीं होगा। चाहिए श्वेता तुम्हें, कितने एहसान है मम्मी के तुम पर। और आज जब एहसान चुकाने का मौका आया तो तुम पीछे हट गई। शेम ऑन यू श्वेता। ओ हेलो, शेम ऑन यू आई बड़ी। तुम ना मुझे सही गलत का फर्क मत समझाओ। जब तुम्हारे साथ ऐसा सब होता, तुम्हारे होंठ को ही सील देता या मेरी तरह से बाल खड़े कर देते ना, तो समझ में आता।
और वैसे भी तुम्हें नीलमा की इतनी फिक्र हो रही है तो तुम खुद जाओ ना, जाकर उनकी हेल्प कर दो। मुझे क्यों बोल रही हो, मुझे क्यों लेक्चर दे रही हो तुम? हाँ, मैं करूंगी मेरी मम्मी की मदद, क्योंकि वो मेरी मम्मी है। मैं जगाऊंगी उन शक्तियों को ताकि चित्रा मेरी मम्मी को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। मम्मी ने मुझे कौन सा मंत्र बताया था? वो ओम फट अवशकन। इस मंत्र को करने से शक्तियाँ जागती है और उसको करने से शक्तियाँ सो जाती है। ओम फट अवशकन, ओम फट अवशकन। ये क्या हुआ? ये क्या किया रानी? मम्मी मम्मी आप घबराओ मत, मैं करूंगी आपकी मदद। क्यों खोजा रानी, तू गलत मंत्र पढ़ रही है। ओम फट अवशकन। रानी ये शक्तियाँ जाने का मंत्र है, चुप हो जा। ओम फट अवशकन। ये क्या किया रानी तूने? मम्मी मैं तो आपकी मदद कर रही थी मम्मी, मैं शक्तियों को जगा रही थी मम्मी, पर ये डब्बे में घुस गई मम्मी, सब कुछ डब्बे में चला गया मम्मी। क्योंकि रानी तुम गलत मंत्र बोल रही है, ये शक्तियों को जगाने की नहीं बुझाने की है। ओह नो मम्मी, आप मुझे सही मंत्र बताओ, मैं बोलूंगी। चुप चुप बोल रानी। ओम फट आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी नीलामरी, आज तुझे दुनिया की कोई शक्ति मुझसे नहीं बचा सकती। ये चित्रा ही है, वो भला मैं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन चित्रा ही नीलामा के साथ ये सब कर रही है। वो नीलामा को मार देगी। चित्रा छोड़ दी लवा को, चित्रा छोड़ दे मेरी मम्मी को, छोड़ दे मेरी मम्मी को, छोड़ दे। जय जी मुझे सही मंत्र बताइए, ये भगवान सब मेरी गलती से हो गया है, मम्मी को बचा लो जय जी। भगवान नहीं कुछ कर सकता, भगवान नहीं बचा सकता सासू माँ को और अब सबको चित्रा के प्रकोप में। समाज के कुछ नियम होते हैं, पर इस घर में जो कुछ हो रहा है सरासर गलत हो रहा है। हमें सब जानना है। मेरे और माधव के बीच में कोई गलत रिश्ता नहीं। तुझ जैसी लड़की का हमें कोई विश्वास नहीं। बदचलन है तू, बदचलन। वैद्य पर लगे झूठे इल्जामों की वजह से मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं करूँगा वैद्य से शादी। तुम्हारे साथ में यहाँ घूमने को प्रोग्राम बना रहे। मतलब वो संगम थिएटर हॉल में ना बढ़िया रोमांटिक फिल्म लगी है, प्यार में डूब जाए। मत ऐसा है, तुम बोल दियो कि मंदिर जा रहे हैं। घर वाले सुनेंगे तो हंसेंगे कि अम्मा इस उम्र में कैसी फिल्में देखने जा रही है। को भी बना बना कर निकल चलेंगे। अरे दादी कह देना कि मंदिर जा रहे हैं, कोई कुछ कहेगा ही नहीं। चक रही है बकवास। चले पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो दुनिया हंसेगी। तो तुम भी हमारा मजाक उड़ाने लग गई। हम कहाँ उड़ाएंगे, दुनिया उड़ाएगी। हम भी सोचे अब हम पढ़ना लिखना शुरू करेंगे फिर से। अरे हमने कहा ना बगली, तुम्हारी जैसी हो वैसी अच्छी हो। लेकिन इस बारे में एक भी बात नहीं होगी। अरे तू का समझेगा पढ़ाई लिखाई का कीमत? हमारी बात ध्यान से सुन ले, अगर हमारी बहुरिया का दाखिला तू स्कूल में नहीं कराया ना तो हम तोहरे गुर्दो का दाखिला जो है अस्पताल में करा देंगे, समझा। दिमाग में सिंदूर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान का लगा है और वो है अखिलेश। घबराओ मत ईरा, तुम्हारी मांग में उसी आदमी के नाम का सिंदूर है। बापू मामू ये लीजिए आपके कर्ण कुंडल। श्री कृष्ण की सहायता से इला देवी को प्राप्त होते हैं कर्ण कुंडल, जिनके द्वारा वीरा लक्ष्मी स्वरूपा राधा नाश करेंगी अधर्म का। ये कर्ण कुंडल नहीं हो सकता, ये तो सूर्य के पास था जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। ये कर्ण कुंडल भी सूर्य के असीम ताप से बना है, अंत कर दीजिए इस असुर का इस कर्ण कुंडल से।
ध्यान से सुनो कालिके, विक्रम ने अपने दयालु स्वभाव के कारण बेताल को अपने यहाँ शरण दी हुई है, तुम्हें उससे उसकी दया चाहिए। क्या परिचय है आपका? ये महाजोगिनी रितंबरा है, नगर के बाहर मंदिर में हमें मिली। स्वागत है आपका। विराट सेन, क्षमा करें सम्राट, सम्राट।